नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विष कन्या। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अपराध के दोस्त और मानवता के दुश्मन उन लोगों के भी दुश्मन बन जाते हैं जो अपराध के दुश्मनों को मिटाने और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। जैसे महानगर से अपराध की गंदगी को मिटाने राज के रूप में पहुंच चुका है नागराज। तो निश्चित रूप से कहीं सक्रिय हैं उसके दुश्मन भी। जय राक्षस गरलगंट, मेरी आहुति स्वीकार करें। जय राक्षस गरलगंट, देव काल जय के बीच से बुझे, मैं इन फलों को स्वाहा करता हूँ। इस हवन का स्थान है नागद्वीप, 36 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर भारतीय महासागर से घिरा इच्छाधारी सांपों का एक रहस्यमय संसार, जहाँ पर जन्म ले रहा है एक षड्यंत्र। सारी आहुति यज्ञ कुंड में डाल दी है यक्ष राक्षस। अब मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ, आप मुझे दर्शन दे दें या मैं इस अग्निकुंड को अपनी चिता बना लूंगा। तभी हम तुम पर प्रसन्न हुए नागमणि द्वीप के राजतांत्रिक बिशनधर, मांगो, क्या मांगते हो? मुझे देवकालजयी के वरदान से पैदा हुए नागराज को खत्म करने की शक्ति चाहिए यक्ष राक्षस गरलगंठ। ये मांगकर तूने हमको अति प्रसन्न किया है बिशनधर। देवकालजयी तो मेरा परम शत्रु है, उसके वरदान द्वारा पैदा हुए किसी भी प्राणी की मौत से बढ़कर कोई और खुशी हो ही नहीं सकता। ले, नागराज की मौत के लिए मैं अपनी ही शक्ति से उत्पन्न करता हूँ नागराज की मौत को, प्रकट हो विष कन्या। विष कन्या के प्रकट होते ही गरलगंट अदृश्य हो गए और गूंज उठा बिशनधर का ठहाका। नागराज, तेरी मौत के रूप में जन्म ले चुकी है विष कन्या, जिसके हसीन विष की काट देव कालजयी के पास भी ना होगी। बिशनधर की निगाहों में बिशनधर द्वारा किया गया ये महायज्ञ गुप्त था, लेकिन जहां पर आग लगती है वहां से धुआं उठकर दूर तक फैलता ही है। नागमणि द्वीप के पास के द्वीप पर किए गए इस यज्ञ का धुआं हवा में फैलता हुआ नागमणि द्वीप में स्थित महात्मा कालदूत की गुफा तक भी जा पहुंचा था, जो एक लंबी समाधि से अभी अभी उठे थे। ओह, कहीं आसपास में कोई महायज्ञ किया गया है, लेकिन ये महायज्ञ किसने किया है और क्यों किया है, मुझे इसका पता लगाना होगा। और महानगर स्थित भारती कम्युनिकेशन लिमिटेड में, मिस भारती, आपने नई महाभारत के टाइटल से बने इस सीरियल के पायलट शो को तो देख ही लिया, मुझे ये बहुत पसंद आया है और मैं इन्हें अपने चैनल पर टेलीकास्ट करवाना चाहता हूँ। लेकिन स्वीकृति तो आप ही देंगी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अब आपके हाथों में है। आपकी क्या राय है मिस्टर राज? सीरियस तो जरूर दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है, जो अच्छे सीरियस के कारण चैनल को मिलते हैं। किंतु ये सीरियल्स घर के बड़े बूढ़े से लेकर बच्चों तक में लोकप्रिय होते हैं, इसलिए व्यर्थ की हिंसा वाले दृश्य को हटाकर ही इन्हें प्रसारित करना उचित होगा। और इस नई महाभारत में ऐसे दृश्यों की भरमार है। ऐसे दृश्यों को हटाने के बाद ही इसके प्रसारण पर विचार किया जाना चाहिए, मेरा भी यही राय है। ठीक है, फिलहाल मैं इस सीरियल के प्रोड्यूसर से सारे आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को कहता हूँ। लेकिन उससे हटने को कौन कहता, जो एक स्टूडियो से निकलकर भगदड़ मचाता वहाँ आ पहुँचा। सांप, भागो! भगदड़ एम तेज चीखों ने भारतीय मिस्टर राज को भी जहां का तहां जाम कर दिया था। ये सांप कहाँ से आ गया? बचिए मैडम, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये तो सचमुच ही हमारी तरफ आ रहा है मैडम भारती।
वेदाचारी की पोती और नागकुल की कन्या भारती को भला सांप क्या डरा पाता, मगर ये भारती के लिए भी महान आश्चर्य के पल थे। सांप को तो सपेरी की टोकरी में भी देखकर मेरे होश मेरे काबू में नहीं रहते। जो व्यक्ति एक सांप से डरता है वो कभी नागराज नहीं हो सकता, इसलिए राज के रूप को मैंने इस रूप में ढालने का निश्चय किया है ताकि किसी को मेरे नागराज होने का रत्ती भर भी कभी संदेह ना होने पाए। मैडम ये फाइल, ओह सांप, किंतु ये सांप जहरीला है और इसके 20 दंत भी सलामत हैं और ये किसी भी क्षण उस लड़की के लिए खतरा बन सकता है। इसे मानसिक संदेश भेजकर इसके द्वारा होने वाले किसी भी अनर्थ को मैं इस रूप में भी फौरन रोक सकता हूँ। नागराज का मानसिक संदेश ग्रहण करते ही सांप का फन आज्ञाकारी बच्चे की तरह झुकता चला गया और तब उसके मालिक सफेरे ने आकर उसे दबोच लिया। ना जाने कैसे कंबक शूटिंग स्थल से अपनी टोकरी से निकल भागा। स्टूडियो में ऐसे जीवों की शूटिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं बल्कि ऐसे खतरों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी तरह टेबल पर चढ़कर। बेचारे नहीं जानते थे कि किसका मजाक उड़ा रहे हैं। विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का, जिसके जिस्म में वास करते हैं लाखों सर्प, जो उसके एक इशारे पर उसके लिए अपने प्राणों की बलि तक दे देते हैं। राज, मुझे तुम्हारा ये रूप आश्चर्यजनक लगा कि सांपों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला नागराज राज के रूप में सांपों से डरता है। वाओ, मेरा कौन सा रूप तुम्हें आश्चर्यजनक नहीं लगता मैडम भारती? अभी तक तो चारों तरफ शांति नजर आ रही थी, मगर यहीं पर बहुत कुछ घटना था। मेरी सर्प इंद्रियां मुझे अपने आसपास सैकड़ों सांपों के होने का संकेत दे रही है। संकेत उस कार से आ रहे हैं और सैकड़ों सांपों के संकेत किसी कार से मिलना मुझे ये जाहिर करते हैं कि कार में कोई और नहीं बल्कि खुद नागराज है, जिसके शरीर में वास करते हैं सैकड़ों सांप और जिसकी मुझे तलाश है। रहस्यमय किरणें कार से टकराई और गड़बड़ शुरू हो गई। तुम्हारी वातानुकूलित कार में अचानक ठंड असामान्य रूप से बढ़ने लगी है भारती। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं एयर कंडीशनर्स बंद कर देती हूँ। ये क्या, ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा है और ठंड और बढ़ गई है राज। एयर कंडीशनर इतनी ज़्यादा ठंड पैदा नहीं कर सकता भारती, कुछ और ही चक्कर लगता है। गाड़ी तुरंत रोक दो। ओ गॉड, ये तो कार का पूरा कंट्रोल ही फेल हो गया है। कार मेरे नियंत्रण किट किट में नहीं है राज, किट किट, कार के शीशे भी नहीं खुल पा रहे हैं। नागराज भी अपनी कपकपी को रोक पाने में असफल था। ओह, मुझे खून का दौरा रुकता सा महसूस हो रहा है, ये शीशा भी नहीं टूट पा रहा है। बुलेट प्रूफ शीशे में ये एक बहुत बड़ी बुराई है। ठक, मैं इस एयर कंडीशनर को ही उखाड़ कर बाहर निकाल देता हूँ, शायद इससे कुछ काम बन जाए। कड़च, कोशिश कामयाब तो हुई, लेकिन पलक झपकते ही कार के अंदर का प्रत्येक हिस्सा एवरेस्ट की चोटी की तरह बर्फ से ढका नजर आने लगा। ओह, एयर कंडीशनर के साथ साथ उसके कूलिंग कॉयल भी बाहर निकल आए हैं और उनसे बर्फ की फुहार छूट रही है। नागराज, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अपने आप को संभालो भारती, मेरा कोट ओढ़ कर कार संभालने की कोशिश करो। तब तक मैं नागराज के रूप में आकर कार को रोकने का कोई तरीका सोचता हूँ। कार के अंदर अत्यधिक ठंड के कारण शीशों पर नमी जम गई थी और बाहर का कुछ भी नजर आना बंद हो गया था। कार किस खतरे की तरफ बढ़ रही थी ये ना तो भारती को मालूम था और ना ही नागराज को। एयर कंडीशनर के निकलने से बने इस छेद से मैं और भारती तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मेरी नागरसी जरूर बाहर निकल सकती है, जो कार को रोकने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। इंजन के बीच से रास्ता बनाते हुए नागरसी सड़क तक आ गई थी और इधर एक भयंकर हादसा कुछ ही पलों की दूरी पर था, क्योंकि नागराज की कार एक बिजली के खंभे की तरफ बढ़ रही थी।
लेकिन वो हादसा हो नहीं सका क्योंकि जान लेने वाले खंभे के साथ साथ एक जान बचाने वाला खंभा भी मौजूद था। कार तो रुक गई थी लेकिन ये दरवाज़ा अभी भी नहीं खुल रहा है और भारती ठंड से बेहोश हो गई है। और ये ठंड तब तक कम नहीं होगी जब तक दरवाज़ा नहीं खुले। नागराज की सोच पूरी हो पाने से पहले ही कार का दरवाज़ा अपने आप खुला और नागराज को बाहर घसीट लिया गया। ओह, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? नागराज के बाहर निकलते ही कार का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तूने मुझे ठीक पहचाना नागराज, मैं सचमुच तेरे लिए मुसीबत का ही रूप हूँ और इस मुसीबत का नाम है अष्ट सर्प तड़ाक। ओह, तो ये है सारी गड़बड़ की जड़। ये कार को अपनी भुजाओं में कसकर उसका मलिदा बनाने पर तुला हुआ है और भारती कार के अंदर ही है। भारती को बचाने के लिए मुझे इस शैतान अष्ट सर्प को कार से दूर हटाना पड़ेगा और ये तभी दूर होगा जब मैं उसके करीब जाऊंगा। ताड़! अब ये अचानक कार से दूर हट रहा है। ओह, समझा, इसका कारण कार का अत्यधिक ठंड होना है। ज़्यादा ठंड से सर्पों की हृदय गति कम होने लगती है और खून का दौरा भी रुकने लगता है। अगर ये कार को ज़्यादा देर तक लपेटे रखता तो इसके मरने का खतरा उत्पन्न हो सकता था। लेकिन चलो, इसकी तरफ से जो खतरा भारती के लिए पैदा हो रहा था वो तो दूर हुआ, मगर भारती अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई होने के कारण फ्रॉस्ट ब्राइट का शिकार हो सकती है। उसे वहां से निकालना तभी संभव होगा जब मैं अष्ट सर्प से छुटकारा पा लूंगा, जिसके लिए मुझे बस अपने विष की कुछ मात्रा इसके शरीर में पहुंचानी होगी। पर ये क्या, इसकी सख्त त्वचा को मेरे विष दंत नहीं भेद पा रहे हैं और मेरे शरीर के उन हिस्से पर अचानक जलन हो रही है जहां अष्ट सर्प ने अपनी भुजाओं से मुझे जकड़ रखा है। कहीं ये मेरा रक्त चूसने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मेरी शारीरिक शक्ति इसकी भुजाओं को मेरे शरीर से अलग नहीं कर पा रही है। इसको अपने शरीर से अलग करने के लिए मुझे अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। नागरसी के रूप में नागराज के शरीर से निकले सर्प अष्ट सर्प की भुजाओं पर कस गए और उस नागरसी के दूसरे छोरों ने अलग अलग स्थानों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और एक मजबूत झटके के साथ ही अष्ट सर्प की भुजाएं नागराज के शरीर से अलग हो गईं। वाह, मेरी सर्प सेना ने आखिरकार अपना काम दिखा ही दिया। मगर वो सर्प रस्सियां ज्यादा देर तक अष्ट सर्प को बांध कर नहीं रख पाई। च्या, देखते ही देखते सर्प रस्सियां अदृश्य हो गई। अरे, ये तो आजाद हो गया और मेरी सर्प सेना भी अदृश्य हो गई। पर कहाँ, मैंने ना तो उनको वापस बुलाया और ना ही उनको अपने रोम छिद्रों से अंदर घुसते महसूस किया। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि वे सर्प भी गायब हो चुके हैं जिनको मैंने कार को रोकने के लिए भेजा था। धाड़! कहीं कोई मेरी शक्तियों को तो नहीं चुरा रहा? इस सवाल पर बाद में गौर करूंगा। फिलहाल तो मुझको इस अष्ट सर्प नाम की मुसीबत से बचने का रास्ता खोजना होगा और इसको रोकने का तरीका मेरे सामने है। लेकिन वो तरीका तभी काम करेगा जब इस कार का दरवाजा फिर से लॉक ना हो गया हो। वाह, बन गया काम, अब दरवाजा खुल रहा है। अब अगर मैं इस कार में प्रवेश करूं तो ये जरूर मेरे पीछे आएगा, लेकिन उतने देर में मैं दूसरे दरवाजे से भारती को बाहर निकाल कर इधर वाला दरवाज़ा बंद करके बेहोश भारती को यहीं पर सुरक्षित छोड़कर तेज़ गति से इसके पीछे पहुंच जाऊंगा और इसको कार के अंदर धकेल कर इधर वाला दरवाज़ा भी बंद कर दूंगा। धम, नागराज का उपाय काम कर गया। अचानक ही असामान्य रूप से ठंडे तापमान में पहुंच जाने के कारण अष्ट सर्प का रक्त दौड़ा भी कम होने लगा और उसकी हरकत भी। तुम ठीक तो हो ना भारती? हाँ नागराज, लेकिन अभी भी सारा बदन सुन्न सा पड़ा हुआ है। नागराज जवाब में कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक आवाज़ ने उसकी जवान को रोक दिया।
आर यू ऑल राइट नागराज? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस महिला को डॉक्टर की तुरंत ज़रूरत है। इनको अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम। अरे अरे रुक जाओ, दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन आवाज़ सुनने से पहले ही वो पुलिस वाला कार का दरवाज़ा खोल चुका था। अब वक्त नागराज के चौंकने का था। कार खाली है? अस्त्र सर्प कहाँ गायब हो गया है? इसके अंदर इतनी सारी बर्फ कहाँ से आ गई? तंत्र शक्ति से बना अष्ट सर्प तो गायब हो चुका था, लेकिन किसी का भी ध्यान कार के नीचे से निकलकर गटर में समा रही उस भयंकर नागिन की तरफ नहीं था, जो इस पूरे युद्ध को छिपकर देख रही थी, या शायद था कामयाबी। और फिर हॉस्पिटल में, मिस भारती आप कैसी हैं? मैं तो घबरा ही गया था। घबरा तो उस वक्त मैं भी गई थी मिस्टर पहलेजा, किंतु एन वक्त पर नागराज आ पहुंचा। मेरी जान उसी के कारण ही बच सकी है। नागराज? आपने नागराज को देखा मैडम भारती? मिस्टर राज को अगर मैंने स्टूडियो के लिए वीडियो लेने को पहले ही कार से उतार ना दिया होता तो उस वक्त ये भी मेरे साथ होते, और तब शायद नागराज से इनकी भी मुलाकात हो जाती। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।